हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस यही करनी है कि आप कितने सेकंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर। सबसे पहली बात तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इफ ए एलोन कैन डू ए वर्क इन एक्स डेज, बी एलोन कैन डू द सेम वर्क इन वाई डेज, देन टुगेदर दे कैन डू द सेम वर्क इन एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज। एक तो ये आपको मालूम होना चाहिए, पहली चीज तो ये है। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है यहां पे वो है एफिशिएंसी वाला। ए इज थ्राइस गुड एज ए वर्कमैन एज बी, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, दो चीजें होती हैं, एक होता है वर्क, अगर बी वन वर्क कर रहा है तो ए थ्री वर्क करेगा। अगर डेज की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, अगर एक काम करने में ए को वन डे लगता है तो बी को थ्री टाइम्स लगेगा। वर्क का रेशियो और डेज का रेशियो रेसिप्रोकल होता है जब ये एफिशिएंसी की बात होती है। बढ़ गया तो हमें डेज वाली बात करनी है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। अब हम सपोज करेंगे लेट बी फिनिश इन, ए फिनिश इन एक्स डेज, तो बी फिनिश इन, टुगेदर दे कैन फिनिश इन 15 डेज। क्वेश्चन क्या है, ए इज थ्राइस गुड एज नो वर्कमैन एज बी, टुगेदर दे कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। दोनों का साथ दिया हुआ, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द वर्क, बी ये है 3x, ये निकालना। तो दोनों का दिया हुआ, ये दिया हुआ है, ये कितना है, आपको तो एक लाइन लिखनी थी, 15 एक्स प्लस वाई, एक एक्स है दूसरा 3x है, अपॉन एक्स एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, आपको तो सिर्फ ये लाइन लिखनी है, बस ये। दोनों का वर्क, ए को कितना टाइम लग रहा है, बी को कितना लग रहा है, 3 टाइम्स। तो इसको सॉल्व करना है, एक्स निकालना है, एक्स यहां आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा, कितना हो गया सर, यहीं पे सॉल्व करिए, 3x² अपॉन 4x, एक्स से 3 से 5 4 जा, तो यही आंसर आना चाहिए। व्हाट इज माय एक्स, 20। अगर एक्स 20 है तो ए इन हाउ मेनी डेज एंड बी इन हाउ मेनी डेज, 3 × 20। ऐसे तो इतना सा लिख के आपका आंसर आना चाहिए, 60 डेज, ठीक है सर। ये चीज नेक्स्ट देखो।